Assalamu alaikum everyone, warmly welcome to my channel Banazi Hussain Vlog. So how you guys are all? Hope you guys are doing well and staying safe. Eid ul Fitr Mubarak ab sabhi ko. और यहाँ देखिए मेरी मदर इन लॉ जो है वो बिटल नट जो भी है सब रेडी करके रख रही है कल के लिए. और हम लोग यहाँ पे देखिए पॉप बना रहे हैं, इसे पीठा हम लोग के लैंग्वेज में पीठा कहते हैं. और ये कॉमन है, सबके घर में मिलेगा ईद के वक्त. सबसे इजी प्रोसेस है ये इसके बनाने के लिए, तो सभी यही बनाते हैं. और हम लोग रात के 1 बज रहे थे, हम लोग पकाना रेडी करके रख दिया है हम लोग ने. कल सुबह होते ही मैं सब फ्राई कर लूँगी तेल में. और यहाँ देखिए इसके बाद मैं मेरी सिस्टर इन लॉ जो है मुझे मेहंदी लगा के दे रही है, क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगी मुझे, इसीलिए रात ही मुझे सब रेडी करके लगा के दे रही है. और मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मन्नत को लेके मेहंदी लगाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं अभी लगा ले रही हूँ और इसके बाद सो जाऊँगी. पूरी तरह से थक चुकी हूँ, सुबह भी जल्दी उठने के लिए है मुझे. और यहाँ हम लोग ने सब रेडी करके रख दिया है, टेबल वगैरह जो भी है, चेयर वगैरह सब रेडी करके रख दिया, क्योंकि नमाज के बाद तुरंत सभी आ जाएंगे खाने के लिए. और यहाँ पे पुलाव भी रेडी हो चुका है, मम्मी ने बना लिया है पुलाव. और गोश्त तो रात को ही पका लिया है. यहाँ देखिए सब आ चुके हैं, ईद नमाज पढ़ के ही सब आ जाते हैं हमारे यहाँ, और किसी को मना नहीं करते हम लोग. ऑल आर वेलकम ईद के दिन. हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ सर्व कर रहे हैं. तो इसके बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ, मैं भाभी और मोनी, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, क्योंकि सब मेहमान चले गए हैं और इसके बाद भी आते रहेंगे. तो हम लोग ने सोचा तुरंत फटाफट से एक दो क्लिक ले लेते हैं. ये रही भाभी. भाभी थोड़ी रिकवरी हो रही है, अच्छी तरह से वॉक नहीं कर पाती है. और यहाँ रही मोनी, बेबी को लेके खड़ी हो रही है, यानी कि भाभी की बेटी. मैं यहाँ मन्नत को लेके फ़ोटो क्लिक करने के लिए ट्राई कर रही थी, वो कोई पोज ही नहीं दे रही है. इसके बाद हमें नीचे बुलाया गया है चाची के घर. हम लोग चाची के घर गए, हम लोग सब दावत के लिए, हम लोग को खाने के लिए बुलाया गया है. यहाँ देखे सब खा रहे हैं. और नीचे आते ही मन्नत अपने दादा की गोदी में सब लेके मन्नत को लेके खेल रहे थे. ऑल वेर बिजी विद मन्नत और माई हैंड्स वेर फ्री. और यहाँ सुनिए मेरी बेइज्जती किस तरह से हुई, सुनिए ज़रा. गजब बेइज्जती. इसके बाद मन्नत के साथ सब खेल रहे थे. हमारी टर्न फाइनली आ चुकी है खाने के लिए. भूख लगी रही थी जोरों की, क्योंकि फीड करते करते मुझे पता नहीं इतनी भुक्कर हो जाती हूँ, सिर्फ भूख लगती रहती है मुझे, क्योंकि मन्नत को फीड करती हूँ ना इसीलिए. और यहाँ देखिए मन्नत, शी इज़ प्लेइंग विद हर पुपी. और यहाँ देखिए हम लोग खा रहे थे. ईद के दिन खाने में मज़ा ही कुछ अलग है, और सबके साथ बैठ के खाना अच्छा लगता है ईद के दिन. आप लोग की ईद कैसी गई और क्या क्या कर रहे थे आप लोग ईद के दिन, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा. और मेरी ये व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं देते हो, पता नहीं क्यों. आप लोग देख तो लेते हो और कोई कोई सब्सक्राइब भी नहीं करते. आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. आई होप यू गाइस लाइक माय टुडेज व्लॉग. ओके देन आई एम एंडिंग हियर. होप यू गाइस एंजॉयड अ लॉट एंड अल्लाह आप सभी की ईद भी बहुत मज़ेदार करे और सबके नसीब में सुख हमेशा लिखे.